ये फ्लो सेंसर है, ये फ्लो की एलईडी है, ये इधर टेम्परेचर की एलईडी का आउटपुट आएगा, ये जो ऑरेंज एलईडी है ये लॉक एलईडी है, ये फ्लो पावर का सिग्नल है कि सेंसर अभी पावर ऑन है, ये अभी करंट वैल्यू है, ये सेट वैल्यू है फ्लो की जो ऑरेंज अभी इंडिकेट कर रहा है 6 नंबर। सबसे पहले सेंसर को प्रोग्राम करने के लिए आप इसको अनलॉक करोगे, अनलॉक करने के लिए एंटर बटन को दबा के रखेंगे तो ये बार कंप्लीट होगा। बार कंप्लीट होने के बाद ये 3 LED ब्लिंक करेंगी, इसका मतलब अपने को मोड एंटर सेट 11 एक एक करके दबाना है। यहाँ पे लॉक एलईडी आपकी बंद हो जाएगी तो मतलब अनलॉक हो गया। अभी आपको फ्लो की प्रोग्रामिंग में जाने के लिए मोड बटन को प्रेस करना है एक बार। जैसे मोड बटन प्रेस करेंगे ये फ्लो का आउटपुट एलईडी ऑन हो जाएगा और यहाँ ये ऑरेंज एलईडी ब्लिंक नहीं करेगा, स्टेबल रहेगा। अभी इस एलईडी को फ्लो का रेंज कम और ज़्यादा करने के लिए आप सेट बटन को दबा के रखेंगे, ये फ्लश करेगा और फ्लश करने के बाद बंद हो जाएगा। इसके बाद आप मोड और एंटर बटन से इसकी वैल्यू, फ्लो की वैल्यू को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये फ्लो यहाँ इंडिकेट कर रहा है कि ये आप फ्लो की वैल्यू को सेट कर रहे हैं। इस एलईडी को जहाँ भी सेट करना है सेट करके आप इसका एंटर बटन दबा देंगे और वो फ्लश करके पूरा बार बंद हो जाएगा। दैट मीन कि उसने अपना आपका वैल्यू ले लिया है। अभी बाहर आने के लिए आपको क्या करना है कि मोड और सेंट बटन को एक बार प्रेस करना है। अभी ये करंट प्रोग्राम मोड से बाहर आ गया है। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको इसका एनओ और एनसी फंक्शन को समझना है। एनओ एनसी फंक्शन को समझने के लिए सबसे पहले कि ये अनलॉक होना चाहिए, आउटपुट एलईडी ऑन हो या ऑफ हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये प्रोग्राम मोड से बाहर होना चाहिए। उसके लिए आप मोड बटन को प्रेस करके रखेंगे। ये मोड बटन प्रेस करने के बाद ये बार कंप्लीट होगा, ये दो एलईडी फ्लैश करेंगे। इसके बाद आपको मोड बटन एक बार दबाना है। ये दो एलईडी का मतलब है ये अभी एनओ फंक्शन पे है। इस एनओ फंक्शन को, ये टेम्परेचर का एनओ फंक्शन है, टेम्परेचर का आउटपुट एलईडी ऑन, मतलब फ्लो का अभी आउटपुट एलईडी ऑन है। तो यहाँ पे ये फ्लो का अभी एनओ सिग्नल है, इसको चेंज करने के लिए आप सेट बटन को प्रेस करके रखेंगे। ये फ्लश करेगा, फ्लश करके बंद हो जाएगा। अभी एक और बार ये आपका सेट बटन प्रेस करेंगे तो सेट बटन प्रेस करके ये बाहर आ जाएगा। तो अभी ये यहाँ पे भी दिखा देगा और यहाँ से इसको एंटर करके आप इसको एनओ से एनसी सेट कर सकते हैं। अभी ये टेम्परेचर के एनओ फंक्शन पे आ गया, लेकिन अभी अपने को टेम्परेचर का एनओ फंक्शन सेट नहीं करना है। तो इस प्रोग्राम मोड से बाहर आने के लिए मोड और सेंटर बटन को एक बार दबा दीजिए। अब इसको लॉक करना है, लॉक करने के लिए आप इनको प्रेस करके रखिए, लॉक एलईडी फ्लैश होगा, फ्लैश होके वो स्टेबल हो जाएगा, दैट मीन ये लॉक हो गया। इतना।